आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन, ऑन इट अ थ्रेड इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, द फिल्म इज पंचर्ड इनसाइड द लूप एंड द थ्रेड बिकम्स अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन बी टी, देन द टेंशन इन द थ्रेड विल बी। तो एक्चुअली ये कहना चाहता है कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिल्म का सोप सॉल्यूशन है, ये मानिए ये सोप सॉल्यूशन है, उस पर हमने हल्के से धीरे से एक लूप रख दिया, थ्रेड का लूप जो है कोई पर्टिकुलर शेप का नहीं है, रख दिया। बाद में जब हमने पंचर किया इसको बीच में से, तो ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होके एक सर्कल में बन जाता है, ये एक सर्कल बन जाता है, परफेक्ट सर्कल, जिसकी रेडियस जो है वो गिवन है कैपिटल आर के बराबर। तो ये बीच में अभी इसके कुछ नहीं है, पर बाहर पूरा सोप का फिल्म है, पूरा सोप का फिल्म बना हुआ है। तो हमें ये थ्रेड में कितनी टेंशन होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले लिखते हैं, लेट द टेंशन इन थ्रेड बी कैपिटल एफ। तो हमने मान लिया कि जो टेंशन है थ्रेड में वो कैपिटल एफ है। अब हम अगर छोटे से पार्ट को, इसके एकदम छोटे से पार्ट को देखें, हम अगर इसको ऑब्जर्व करें, एकदम मैंने इतना सा टुकड़ा लिया है, देखिए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये उसका सेंटर है, ये कुछ मैं थोड़ा एनलार्ज करके उसको बना रहा हूँ, पर है बहुत छोटा पार्ट। ये हो गया ऐसे, ये हो गया बीच में से। तो ये अगर मैंने पूरा एंगल थीटा लिया है, तो ये एंगल थीटा बाय टू मैं दिखा रहा हूँ, आधा आधा मैंने थीटा एंगल कवर करते हुए लिया है, थीटा भी नहीं, मैं डी थीटा टू बोल देता हूँ। तो अगर जो इसमें जो टेंशन लगा, जो हमारा वो लग रहा होगा, जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो लग रहा होगा, वो इसमें परफेक्टली ऐसे लग रहा होगा। मैं माने बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब ये माने ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, ना इसमें कोई कर्व पार्ट है। तो इस पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये हो जाता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और जो हमारा थ्रेड होगा वो एक दूसरे को पुल कर रहा होगा, हमारे एक दूसरे को ऐसे पुल कर रहा होगा इस साइड से, एफ से, और ये एफ से, ये एक्चुअली मैंने लिखा है वो अलग पार्ट है, वो एफ के लिए नहीं है, तो एफ से पुल कर रहा होगा। तो अगर हम देखें एफ का कंपोनेंट देखते हैं हम, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल मानूं, ये ऐसे मानूं, तो जो ये एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा थीटा बाई टू के इक्वली, क्योंकि मतलब डी थीटा बाई टू के इक्वल ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये थीटा बाई टू है, ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा बाई टू हो जाएगा, तो दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा डी थीटा बाई टू, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं एफ के कंपोनेंट्स कर दूं तो ये हो जाएगा एफ कॉस डी थीटा बाई टू, ये नीचे की तरफ आ जाएगा एफ साइन डी थीटा बाई टू, सिमिलरली इसी तरफ भी, इस तरफ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा बाई टू, ये हो जाएगा एफ साइन डी थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा एफ कॉस डी थीटा बाई टू। तो मैं अगर अच्छे से दिखाऊं तो हमारे पास इस जो छोटा सा पार्ट है उस पे फोर्सेस लग रही है एफ, जिसका एक कंपोनेंट नीचे एफ साइन डी थीटा बाई टू है, और इस तरफ f cos d थीटा बाई टू है, और इस तरफ सिमिलरली एक f लग रहा है, जिसका नीचे की तरफ सिमिलरली f sin d थीटा बाई टू है, और इस तरफ है f cos d थीटा बाई टू, और ऊपर की तरफ हमारा जो सरफेस टेंशन है st, उसका फोर्स लग रहा है, जो कि इक्वल होगा, हमें पता है सरफेस टेंशन का फोर्स होता है इक्वल लेंथ इनटू सरफेस टेंशन के ऑफ ईच, जो हर एक लेयर पे लगता है। और हमें इसमें बोला गया सोप सॉल्यूशन बोला गया है, आप ध्यान दीजिए, सोप सॉल्यूशन बोला गया, माने कि इसके दो लेयर है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो दो तरह जगह से फोर्स लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा, जो कि आ जाएगा अगर मैं इसकी लेंथ डेल्टा एल मानूं, डेल्टा एल लेंथ ऑफ दिस पार्ट, नीचे लिख देता हूँ लेंथ
of this part. तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा इस पर वो हो जाएगा 2T इंटू डेल्टा एल. अब देखिए 2T इंटू जो डेल्टा एल होगा वो बैलेंस करेगा इन दोनों फोर्सेस को. माने कि ये आ जाएगा 2T इंटू डेल्टा एल इक्वल टू एफ 2F इंटू साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 के बराबर. अब हमें पता है जो डेल्टा एल है उसको हम आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. इसको लिख दिया हमने आर इंटू डी थीटा के बराबर डेल्टा एल को. अब हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू डेल्टा एल को मैंने रिप्लेस कर दिया आर इंटू डी थीटा से और ये बन गया 2 इंटू एफ इंटू. अब हमें पता है साइन ऑफ कुछ भी अगर एंगल छोटा हो तो हम साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा के इक्वली ले सकते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल. तो हमारे केस में तो ये डी थीटा ही है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा को सिर्फ डी थीटा बाई 2 से. तो अब देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा डी थीटा जो है जो हमने लिया था वो भी कैंसिल आउट हो जाता है इधर. तो जो हमारा एफ बचा है वो बचा है 2T इंटू आर के इक्वल, जहाँ पर कैपिटल आर तो रेडियस थी और टी हमें गिवन था क्वेश्चन में. तो देखिए इसका ऑप्शन जो डी ऑप्शन है 2RT वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.